Hello students, welcome to MathGate. Let's discuss the gate problems based on Newton-Raphson method. And let's start with the first gate problem. This question has been asked in gate 2016 civil branch. And the question is, Newton-Raphson method is to be used to find the root of the equation. Equation given hai aapko 3x minus e to the power x plus sin x is equals to 0 with the initial root 0.333. Then the next approximation for the root would be what? Right, aapko x 0 means initial root given hai, function given hai means fx given hai, aur aapko next root means x 1 find out karna hai, wo bhi up to 3 places of decimal, right, with the help of Newton-Raphson method. Okay, to chaliye start karte hain. Sabse pehle jaisa ki hum jante hain Newton-Raphson ka formula, sabse pehle baat kar lete hain x 1 is equals to x 0 minus f of x 0 by f dash of x 0 hota hai. Ye hum already हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो इस फॉर्मूले में मुझे x1 फाइंड आउट करना है. यहां x0 गिवन है, फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू इनिशियल रूट पे फाइंड आउट कर लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इनिशियल रूट पे. ओके, वो सारी वैल्यूज इसमें रखनी है. तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन फंक्शन की. तो fx is equals to है स्टूडेंट्स 3x minus e to the power x plus sin x, राइट? अगर ये fx है तो f dash x कितना हो जाएगा 3 minus e to the power x, और sin x का हो जाएगा कितना cos x, राइट? अब क्या करना है आपको x 0 and also given हमें है x 0 is equals to 0.333, ये initial root है. अब इन initial root की से आपको निकालना है x 1, राइट? तो x 1 is equals to बनने वाला है students x 0 माइनस, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 0.333 माइनस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0.333 पे, डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है 0.333 पे, राइट? अब जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.333 पे, इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहां रखेंगे 3 इनटू 0.333 माइनस e टू द पावर 0.333 और प्लस sin ऑफ 0.333, राइट? सिमिलरली आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी यही काम करेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलने वाला है -0.069, राइट? आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वांटिटी मींस फंक्शन में वैल्यू में 0.333 रखूं तो मुझे मिल जाएगा -0.069, राइट? अब बात करते हैं डेरिवेटिव की. तो जब डेरिवेटिव में रखेंगे वैल्यू 0.333, तो यहां रखने पर डेरिवेटिव पे वैल्यू रखने पे बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना, ये बनेगा 3 minus e to the power 0.333 और प्लस cos of 0.333. जब मैं ये वैल्यूज रखूंगी और इनको सिंपलीफाई करूं तो मुझे मिलने वाला है 2.549. मुझे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक चाहिए, इसलिए इसको भी मैंने 3 प्लेसेस तक निकाला और इसको भी 3 प्लेसेस तक निकाला. नाउ अब फंक्शन की वैल्यू आ गई इनिशियल रूट पे, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई इनिशियल रूट पे, और इनिशियल रूट हमारे पास में है. अब ये वैल्यूज हम क्या रखने वाले हैं, इसमें रखने वाले हैं, राइट? तो यहां सॉल्यूशन आने वाला है स्टूडेंट, देखिए 0.3333 माइनस, इस वैल्यू को जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दिस विल बिकम 0.069 डिवाइडेड बाय 2.549, राइट? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलना है 0.3601, राइट? 0.3601 मुझे चाहिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक. तो मेरा आंसर हो गया स्टूडेंट्स कितना, 0.3601 या 0.360 तक भी आप इसको लिख सकते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Newton-Raphson मेथड. बहुत बेसिक सा है फार्मूला, आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है. अगर यहां x1 के प्लेस पे x2 पूछा होता, मींस से सेकंड रूट पूछा होता, तो आप पहले x1 निकालते इसी प्रोसेस से और फिर उसके बाद x2 निकाल देते, राइट? तो दिस इज द बेसिक फॉर्म और दिस इज द बेसिक क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो Newton-Raphson का है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2016 मैकेनिकल ब्रांच, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन x is equals to tan cos x यूजिंग द Newton-Raphson मेथड विद इनिशियल गैस x is equals to pi by 4. इनिशियल गैस गिवन है मींस x 0 की वैल्यू गिवन है pi by 4. देन द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्ट रूट आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, इट मींस आपको x1 फाइंड आउट करना है x1 की वैल्यू क्या होगी अप टू 2
डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। देखते हैं सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स माइनस टेन कॉस एक्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब एफ एक्स की वैल्यू ये है, क्योंकि मुझे पता है न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो बाई एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होता है, राइट। तो इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स, राइट। तो एफ एक्स तो आपके पास है, इसके लिए एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स मीन्स इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दे, तो ये बन जाएगा वन माइनस माइनस प्लस टेन ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। और साथ ही आपको गिवन है एक्स जीरो मीन्स इनिशियल रूट की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर, राइट। ये सब कुछ गिवन है हमें, ओके। अब बात करते हैं फर्स्ट इटरेशन एक्स वन की। तो एक्स वन के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा एक्स जीरो, एक्स जीरो मीन्स पाई बाई फोर माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर चाहिए होगा, इसमें हम पाई बाई फोर रखेंगे, और एफ डैश ऑफ पाई बाई फोर, राइट। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन में की वैल्यू पाई बाई फोर पर फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, एक्स के बेस पे रखा मैंने पाई बाई फोर माइनस टेन और कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर माइनस टेन बाई रूट टू, बिकॉज कॉस पाई बाई फोर इज नथिंग बट वन बाई रूट टू, राइट। तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन बाई रूट टू, और डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश पाई बाई फोर की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स इसमें रखेंगे, तो ये बनेगा वन प्लस टेन ऑफ साइन ऑफ पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर भी कितना होता है वन बाई रूट टू, तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन बाई रूट टू, राइट। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, फंक्शन की पाई बाई फोर पर वैल्यू आ गई है, फंक्शन के डेरिवेटिव की पाई बाई फोर पर वैल्यूज आ गई हैं, इनको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अब बनने वाला है स्टूडेंट्स आंसर हमारा एक्स वन इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर एज इट इज माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर मीन्स पाई बाई फोर माइनस टेन बाई रूट टू और बाय वन प्लस टेन बाई रूट टू, राइट। जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगी तो यहाँ पाई के प्लेस पे हम रखने वाले हैं 3.14, राइट। तो यहाँ बन जाएगा 3.14 बाई फोर माइनस, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी 3.14 बाई फोर माइनस टेन बाई रूट टू, तो मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स कितना 6.28, राइट। सिमिलरली जब मैं यहाँ 1 प्लस टेन बाई रूट टू को सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे मिलने वाला है कितना 8.07, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो यहाँ जो वैल्यू आ रही है 3.14 बाई 4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर दैट इज 1.56, और रिक्वायरमेंट मेरी थी अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये आंसर हो गया हमारा 1.56, जो एक्स वन आया है वो ये बन गया, राइट। तो जो न्यूटन रैप्सन के क्वेश्चंस हैं वो जनरली ऐसे ही बनते हैं, या तो उनमें आपको फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू पूछी जाएगी या फिर सेकेंड इटरेशन, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। कुछ भी आए, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई भी आपसे पूछे, आप इजीली निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इनिशियल रूट आपके पास होने चाहिए और बहुत ही ईजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।